वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। इन दंगों में भीड़ ने रामविलास पासवान के घर को भी फूंक दिया था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर 12 राजेंद्र नगर रोड स्थित सरकारी आवास से निकल पाए थे। तब पासवान के बेटे चिराग सिर्फ 1.5 साल के थे। आग से बचाने के लिए रामविलास ने उन्हें कपड़े में लपेट दिया था। अपने घर से जान बचाकर निकलने के बाद पासवान 12 तुगलक रोड स्थित चौधरी चरण सिंह के आवास पर पहुंचे, मगर ये मुश्किलों की शुरुआत भर थी। चौधरी चरण सिंह ने एक हफ्ते तक पासवान को अपने घर पर रखा। इसके बाद वो हरियाणा भवन में शिफ्ट हो गए। हालांकि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। हाल ही में पेंगुइन प्रकाशन से आई पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव ने उस घटना का विस्तार से जिक्र किया कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद पासवान के पास आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। उन्नीस सौ चौरासी के चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी हार गए थे, जिसमें रामविलास पासवान भी शामिल थे। उन्हें हाजीपुर की अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। पासवान ने अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के स्कूल में करवा दिया था, तो वो वापस बिहार भी नहीं लौट सकते थे। चुनाव हारने के बाद पासवान के पास ले देकर सिर्फ सरकारी पेंशन ही सहारा बची थी। उस समय सांसदों को मिलने वाली पेंशन 600 रुपए थी। इसी 600 रुपए से पासवान को मकान का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्च चलाना होता था। कुछ समय तक हरियाणा भवन में रहने के बाद पासवान सांसद के बगल में स्थित विट्ठल भाई पटेल भवन में 2 कमरे के हॉस्टल में आ गए। लेकिन ये व्यवस्था सांसदों के मेहमानों के रहने के लिए बनाई गई थी, तो उन्हें हर 3 महीने में किसी सांसद से आवेदन की अनुमति लेनी होती थी। ऐसे में पासवान की दिक्कतें देखकर कांग्रेस नेता बलवंत सिंह रामूवालिया ने उनसे कहा, साउथ एवेन्यू में एक फ्लैट खाली है, अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो सांसद तेजा सिंह दर्रा से पूछ सकते हैं। दरअसल तेजा सिंह सांसद सत्र के दौरान ही दिल्ली में रहते थे, ऐसे में वो फ्लैट खाली पड़ा था। पासवान ने हिम्मत जुटाकर तेजा सिंह से फ्लैट के लिए बात की और उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल गई। इन सब के बावजूद परिवार के सामने आर्थिक संकट बना हुआ था। एक बार पासवान को बीजू पटनायक से मिलने जाना था और उन्हें देर हो रही थी, लेकिन उनके पास ऑटो के किराए तक के पैसे नहीं थे। पत्नी रीना ने इधर उधर से ढूंढ कर 5 रुपए दिए। वो इन पैसों से बीजू पटनायक से मिलने पहुंचे। बात खत्म हुई तो बीजू पटनायक ने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? पासवान ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक तो नहीं है। रामविलास पासवान ने बीजू पटनायक को बताया कि जैसे तैसे करके पैसे जमा करके उनके पास पहुंच तो गए, लेकिन अब वापसी के पैसे नहीं बचे हैं। बीजू पटनायक ने अपने जेब से तुरंत 2,500 रुपए निकाल कर दे दिए। पासवान से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन पर। और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।